सो एंग फुरबा जो माताजी 104 साल की उम्र में जनवरी 25th 2022 को यानी दो महीने पहले 11:40 AM में शी पास्ड अवे। सो मार्च 14th को आज जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ तो आज 49th डे है। तो नवांग नोरबू शेरपा एंड डवा डोलमा शेरपा $500, सिस्टर जयांग लामो 100 एंड सिस्टर आंग डिकी 100, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से आज 26 परिवारों को हम लोग पूरे मंथ का राशन देंगे। 49th डे है जो उनकी डेथ का उसमें, तो हम भी प्रे करेंगे माता जी की आत्मा को शांति मिले। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एंड चलिए स्लम में पहुंचते हैं एंड राशन डिस्ट्रीब्यूशन अपना शुरू करते हैं। तो मे हर सोल रेस्ट इन पीस। एंड आज जो 49th डे है उनका, बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो रास्ते में हम लोग 26 फैमिलीज को हम लोग राशन प्रोवाइड करेंगे। चलिए पहुँचते हैं, मिलते हैं परिवारों से। तो पहुंच चुके हम लोग स्लम में। अभी तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, पहली चीज तो गर्मी में कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? क्या करते हो आप लोग? गाड़ी मजदूरी करते हैं। मिलती टाइम पे मिलते हैं 200 रुपया का। अच्छा, गरीब आदमी पड़े हैं सब, न कपड़े का इंतजाम है, न पानी का इंतजाम है, पानी ये पी रहे हैं गंदा पानी। अच्छा जी, पानी भी नहीं, यहाँ पे पानी भी नहीं है। बीमार हो जाते हैं, पानी पी गए। कौन सा पानी पीते हो आप लोग? जमना का पानी, जमना का बीमार बच्चे सब बीमार। आज हम लोग आप लोग 26 परिवारों के लिए राशन लेके आए हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मतलब किन की तरफ से है ये राशन, ठीक है? कुछ ना तो पानी खाली कुछ ना तो पानी कम ना होती बरमाई रोड पे आता है टैंकर कोई चले आया रोड पे तो पानी ना ना राशन का हुआ तो बटन कुछ ना आ जाओ ये राशन का राशन कोई आता भी नहीं राशन बांटने कोई नहीं आता रोड पे बांट के चले जाते हैं। अच्छा रोड तो चले जाते हैं, अंदर इतना अंदर ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आता। राशन कार्ड भी नहीं है हमारा तो। अच्छा जी, कहाँ के रहने वाले आप लोग? कहाँ से आए? जिला के हैं। यूपी से यहाँ पे काम करने आए आप लोग? अच्छा, चलिए मतलब बता रहे हैं कि रोड वोड में बढ़ जाता है, इतना अंदर कोई नहीं आता बांटने ना गांव में इतना। चलो कोई बात नहीं, एक माता जी हैं ये देखिए, ये है, ठीक है आपको दिखाता हूँ अभी मैं। अंग फुरबा, ठीक है ये माता जी हैं, ठीक है ये माता जी का 104 साल की उम्र में देहांत हो गया है। 49वें दिन 49 डे को ऐसे सेवा की जाती है, उनके बच्चे बच्चे जो हैं उन लोगों ने, ताकि उनकी माता जी की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। तो 49वें दिन में नवांग नोरबू शेरपा दवा डोलमा शेरपा जयांग लामो एंड अंग डिकी, ये परिवार है उनका। अच्छा, ये जिन लोगों ने आज 26 परिवारों के लिए आप लोगों के लिए राशन भिजवाया ताकि उनकी माता जी की आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, उनके बच्चे को आगे बढ़े जी। चलिए ठीक है, आप लोग बैठ जाओ, 26 परिवारों को राशन देते हैं हम लोग। बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ यही ऐसी लाइन से बैठ जाओ। एंड बिलीव मी, मतलब हमारी आधे घंटे में आपकी हालत खराब हो गई, इतनी गर्मी है, कोई लाइट वाइट की इंतजाम नहीं है, मतलब कैसे ये लोग जीते हैं मेरे को तो समझ नहीं आता। बस करनी चाहिए ऐसे लोगों की हेल्प यार, ग्राउंड लेवल पे सोचे लोग दूर दूर रोडों पे, क्योंकि रोड में बांटना कन्वीनियंट होता है, रोड पे बांट के लोग चले जाते हैं, लेकिन इतना अंदर ग्राउंड लेवल पे कोई नहीं आता। आधे घंटे में देख सकते हो पसीने पसीने हम लोग हो गए हैं, तो पूरा 24 घंटे पूरा साल बिताना पड़ता है ऐसी जगह पे, तो क्या हालात होते होंगे। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं ग्राउंड लेवल पे जाएं जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता, एंड वहाँ पहुँच के हम लोग हेल्प करें। तो लग रही है लाइन, 26 लोगों को बिठा रहे हैं, फिर राशन बांटना स्टार्ट करते हैं। तो एक रिक्शा हमारा इस साइड है, 26 लोग यहाँ पे बैठ गए। आप इस साइड से रखना शुरू करो राशन, ठीक है भैया? आप इस साइड से रखो, हम उस साइड से रखते हैं। चलो नेताजी उस साइड से रखते रहेंगे, भैया जी उस साइड से रखते रहेंगे।
ऑलमोस्ट देयर। ये जो राशन है ना, इसमें बता देता हूँ आपको, आटा चावल तेल दाल नमक चीनी चायपत्ती मसाले साबुन वाबुन गरम मसाला जो होती है ना घर की जरूरत, सब कुछ है ठीक है। चायपत्ती मसाले दाल वाल साबुन वाबुन घड़ी नाने मतलब वो सारे आइटम है जो घर की एक बेसिक जरूरत होती है। हाँ माता जी की दिल की शांति मिले, उनके बाद बाल बच्चों सुखी रहे, और किसी के साथ दे दिया गया 26 परिवारों को राशन। ठीक है ले जाओ। तो इसी के साथ 26 परिवारों को राशन बांट दिया गया और दिल्ली में प्रॉपर समर जिसे कहते हैं वो आ गया है। सोचिए हमारे आधे घंटे में पूरा हम लोग इस टाइम पसीने पसीने हो रखे हैं, इन लोगों को ना बिजली है ना प्रॉपर पानी है, सोचो कैसे यहाँ पे गुजारा होता होगा। मतलब तो यहाँ पे इमेजिन करो मतलब कितने बुरे हालात हैं, कितनी गर्मी में कैसे गुजारा होता होगा, कैसे लोग वक्त बिताते हैं अपना मजदूरी वगैरह करके, अलग अलग शहरों से दिल्ली में काम की तलाश में आए हुए हैं। तो करते रहना चाहिए ऐसे अच्छे काम। एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से माता जी की आत्मा को शांति मिले और उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा ऐसे खुश रहें, बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रंस ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस सभी इस तरीके से खुश रहें और ऐसी सेवा करते रहें और भगवान उनको ऐसी और सक्सेस दे लाइफ में और खुशियाँ दे ताकि वो ऐसी प्यार बांटते रहें कंपैशन बांटते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड कंट्रीब्यूशन। तू ची छे नांग, गॉड ब्लेस यू। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।